हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज हम एक नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये नोटिफिकेशन ईस्टर्न रेलवे से है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए तो हम इसको डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल जाए इजीली। मतलब आप एक सब्सक्रिप्शन से दूर हो, वन सब्सक्राइब कीजिए और आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड निकले वैकेंसी, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, आपको सेम डे मिल जाएगा सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से दो। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और सारे के सारे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको आपके फ़ोन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए, ईस्टर्न रेलवे ने निकाली हुई है ये नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर 1920। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है नोटिफिकेशन 27 जनवरी को निकला है और ये जो है 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म फिल होना, और ये 13 मार्च तक जाएगा। फॉर्म फिल आप कर सकते हो। और जो प्रोवेशन डेट फॉर डिस्प्ले ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, 30 मार्च को आपका जो है मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट है 13 मार्च। यहाँ पे देख सकते हो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अराउंड 2800 के आसपास है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग के लिए है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हावड़ा डिवीजन में कितना है, 659 वैकेंसीज है, जिसमें कि फिटर है, वेल्डर है, मैकेनिक्स है ना, ब्लैक स्मिथ है, ये सारे के सारे जो है टोटल माल हावड़ा डिवीजन में 659 है ना। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ना रिजर्वेशन, जनरल के लिए इतना, एससी के लिए इतना, एससी के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए इतना, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। एंड देन फिर देखिए सालदा डिवीजन में कितना है, 526 वैकेंसीज है फिटर वेल्डर ना। उसके बाद फिर देखिए मालदा डिवीजन में कितना है, 101 वैकेंसीज हैं, है ना। आसनसोल में 421 वैकेंसीज हैं। एंड देन फिर जाके देखिए कंचरा पारा वर्कशॉप पे कितने हैं, 206 वैकेंसीज हैं। हैं लीलो में कितने हैं, लीलो वर्कशॉप में 204 वैकेंसीज हैं। एंड आगे देखते हैं इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, जमालपुर वर्कशॉप में कितने हैं, 684 वैकेंसीज हैं। और ये टोटल मिला के अराउंड 2800 वैकेंसीज हैं आपके, है ना, 2798-99 के आसपास वैकेंसीज है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ये रेलवे डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, यहाँ पे 15 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 24 ईयर फॉर जेंडर कैटेगरी। अगर आप एससी एसटी से हो तो 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, ओबीसी से हो तो 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर आप डिसेबल पर्सन हो तो 10 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, और 10 साल एडिशन मिलेगा जो एक्स सर्विस मैन है। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका 10th चाहिए, जो कि 50% एटलीस्ट मार्क्स हो, और आईटीआई चाहिए। ठीक है, इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। ठीक है, इस वेल्डर में, सीट मेटल में आपने आईटीआई किया हो। ओके, उसके बाद आप देखिए ये वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, www.itcr.com पे जाके आप फॉर्म फिल करोगे। और एग्जामिनेशन फी आपको 100 रुपीज़ हैं एग्जामिनेशन फी आपके। ठीक है, फॉर्म फिल करने का आप देखिए कैसे इसका सिलेक्शन मोड क्या है, मेरिट लिस्ट निकलेगा, 10th का और आईटीआई का जो आपका सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट जो होगा, उस दोनों का वेटेज निकाल जाएगा, 50% आईटीआई, 50% 10th का, और उसको ऐड करके निकाला जाएगा। ठीक है, एवरेज निकाल देगा, काम खत्म। यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन किया गया है 1/2 × है ना 10th का, एंड फिर यहाँ आईटीआई का, जिसका एवरेज निकलेगा बेस्ट वही इसका उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वीमेन कैंडिडेट है उसके लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, नॉर्मल के लिए 100 रुपये फ़ी है। आप कैसे अप्लाई करोगे, ऑनलाइन अप्लाई, ये जो है RRCR पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ITCR है ना, ITCR पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो।
एंड फिर जाके देखिए जो आपको लगेगा, स्कैन फोटोग्राफ आप दीजिएगा, स्कैन सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है ना, ये सब दीजिएगा, 8th एंड 10th का मार्कशीट, PDF मेंशनड, ठीक है। एंड देन फिर जाके आप जो है जब एक्नॉलेजमेंट निकलेगा तो आप दो प्रिंट आउट उसका निकाल लीजिएगा, एट द टाइम ऑफ जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उस समय चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये प्योरली ट्रेनिंग होगा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगा। कैंडिडेट फाइनली एंगेज विल बी प्रोवाइडेड स्टिपेंड, कुछ आपको पेमेंट भी मिलेगा जो सिलेक्शन हो जाएगा ना, 1 साल का ट्रेनिंग होगा आपका अप्रेंटिस का, और उसमें आपको कुछ पैसे भी देगी इंडियन रेलवे। एंड देन आपका ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद इसमें जो है 20% वैकेंसी जो है आपको एडवांटेज मिलेगा जब आपकी जॉब निकलेगी रेलवे में या कहीं और, तो इसका सर्टिफिकेट आपको 20% वैल्यूएबल रहेगा, ठीक है। एंड ये था इसका ओवरऑल एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इस नोटिफिकेशन का। तो दोस्तों आप फॉर्म फिल कीजिए, है ना, और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, रेलवे में आपको ट्रेनिंग मिल रही है 1 साल के लिए, है ना। बहुत सारे गांव में ऐसे हैं तो वो जो ऐसे अब जॉब ढूंढ रहे हैं, ITI करके बैठे हुए हैं, है ना, तो वो आप इसको फॉर्म फिल कीजिए, 100% आपका हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये ट्रेनिंग है, ठीक है, और इस मेरिट लिस्ट है, कोई भी पेपर आपको नहीं देना है इसके लिए, आप सिर्फ अप्लाई कीजिए और 30 मार्च का आप वेट कीजिए, आपका सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम होगा, ठीक है। आप भी फॉर्म फिल कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, वो भी फॉर्म फिल करेंगे, और आप 1 साल का ट्रेनिंग दीजिए एंड फ्यूचर अपना ब्राइट कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अप्रेंटिस ट्रेनिंग। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।